ये रहा मेरा किला। यहाँ से पश्चिम की तरफ मैं अभी हूँ, मेरे गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर, और एक खेत खलियान इसके बीच में दिखाई दे रहा है। और इनके यहाँ पर नाम कैसा उनका? संजीव। और कौन देखा सर साहब ये? हमें देखा। आप बाथरूम गए थे? हाँ। अच्छा। देखो घोनस साहब आया है दोस्तों, इन्होंने फोटो भेजा था मुझे। तो इस तरह से जो गांव में सामान वगैरह रहता है और सीजन में सांप निकलते हैं, मतलब रहते तो है आस पड़ोस में, लेकिन इसमें गए क्या हो? सीजन मतलब दोस्तों मेटिंग सीजन, मतलब मादा जब निकलती है, मादा जब निकलती है और वो मिलन के लिए समागम के लिए, तो नर उसमें आकर्षित हो जाते हैं। और ये देखिए ऐसे ये दिखाई दे रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है अगर आपने नहीं देखा है तो। बहुत ही खतरनाक सांप दोस्तों, पकड़ने के बाद बाकी की बातें करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों फोन आया था, उनसे बात करने तक सांप ये इधर आके बैठा हुआ है। इधर आओ सर। हाँ मैं लेके इधर आता हूँ, बाद में आप पीछे से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पकड़ता हूँ। बैठा हुआ है वो यहाँ से ऐसे सरक के, ये टॉयलेट है, संडा सा यहाँ बाथरूम है अटैच, और इस तरह से बैठा हुआ है। अब इसको मेरे पास गाड़ी पर स्टिक लगाने का जगह नहीं था, तो एक छोटा सा एक डंडा लिया है मैंने अपने हाथ में, किस तरह से आवाज निकाल रहा है। बहुत ज्यादा फोन है दोस्तों, तो ये आसानी से मिला, आगे भी हमें जाना है। तो इस तरह से घोनस अभी दो दिन पहले हमने वीडियो में यूट्यूब पर डाला था, अपने काफ़ी सराहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी पहचान आप कराए। और ये सांप सितंबर एंड से लगभग फरवरी तक, बोलना बंद करो जी, फरवरी तक उसका मेटिंग सीजन रहता है, नर मादा का मिलन रहता है, और मादा जहाँ पर होती है तो स्मेल छोड़ने के बाद वहाँ पर मेल आकर्षित हो जाते हैं। तो एक सांप पकड़ने के बाद भी सिलसिला ख़त्म नहीं होता, ये नेचुरली है, आप समझेंगे उतना आसान है, वो टाल नहीं सकते, तो इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो घोनस सांप हमारे आस पड़ोस में रहता है, लगभग 7 फीट लंबा, 6 या 7 फीट लंबा भी ये सांप दिखाया गया है, लेकिन ज़्यादातर 4 फीट इसमें लंबे मोटे सांप दिखाई देते हैं, और देखने के बाद उसको अजगर बोलने की गलती करते हैं लोग। किस तरह से आवाज़ निकाला आपने देखा, इसको ज़्यादा फोकस करो। हाँ, तो अजगर समझने की गलती करते हैं, बार बार सांप देखने से और हम बार बार नाम बताने से थोड़ा सा फर्क, यानी आपको जानकारी हो जाएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं, इसलिए उसका जानकारी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि सांप सिर्फ देखने से, किस तरह से अटैक करता है देखना आपने, सांप सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला, उनको समझने से ये होने वाला है। और थोड़ी सी लापरवाही अगर कैमरे में कैद हुआ है, ये देखिए किस तरह से ये अटैक करने की मेरे ऊपर कोशिश कर रहा है, और अचानक अटैक करने में सांप माहिर है, और इसलिए ये खतरनाक है, कैमरे में शायद आया होगा, और इसलिए हर वक्त हम हो या आप हो, इसके सामने किसी का कुछ नहीं चलता, और इस तरह से तेवर या अपने हरकतें करता है कि जानलेवा साबित हो सकता है। नए लोग या नए सर्प मित्र है, बिल्कुल इसकी जानकारी पूरी होने के बगैर इसको पकड़ने ना जाए। इस तरह से देखिए किस तरह से हरकतें करता रहता है, और इसलिए ये ज़्यादा ही खतरनाक होता है। अचानक आपके आस पड़ोस में है, आपके बच्चे या आपका हाथ पांव पड़ सकता है, या नज़दीक है तो भी ये 1 सेकंड में 3 फुट हल्ला चढ़ा सकता है, इसलिए खतरनाक है दोस्तों। अभी तो बंद हो गया, आगे हमें कॉल पर जाना है, लेकिन जानकारी के साथ आपने कितना खतरनाक बन सकता है सांप ये भी नोटिस किया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सांप को सबको समझ में आए, घोनस रसल वाइपर खतरनाक होता है, नाक से भी दुगना विषैला होता है दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का वक्त है, मैं सर्प मित्र आनंद चिट्टी बेलगाम कर्नाटक से आपका स्वागत करता हूँ। ये पश्चिम एरिया है बेलगाम शहर से, और किस इस तरह से घर बसे हुए हैं, आप भी शहर में रहते तो कुछ ऐसा एरिया होगा। और यहाँ पर सर आपका नाम? दिनेश चौहान। दिनेश चौहान। चौहान,
और एक कुत्ते ने सांप देखा।, हाँ, देखा। क्या नाम है इसका बेटा, नाम बताओ। रानी। रानी, रानी, ये रानी ने सांप देखा है दोस्तों, और बाद में मालिक को पता चला। हाँ। और उन्होंने जैसा कहा, बहुत ही प्यारा कुत्ता है। और इधर सांप है बेटा, सांप पकड़ेंगे, बाद में तुमसे बात करेंगे। हाँ, अभी जाओ बाहर, अभी जाओ, बाद में, बाद में जाओ। हाँ, गेट लगाती है आनी आदिल। तो उसने देखा, कुछ अजीब सा उसको लगता है, हेकड़ है बेलग है बेलग। तो इधर से दिखाई भी दे रहा है, ऐसा बोल रही है। तो ये अभी निकालेंगे सामान। कुत्ते को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो भौंकने वगैरह लगते हैं, लेकिन उसको भी अगर पहचान कराते हैं तो सांपों की पहचान उसको भी हो जाती है। और कभी कभी डरते, कभी कभी इतने गुस्सेले हो जाते कुत्ते कि उनको काटने भी आते हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा या आपने सुना भी होगा। और इस फाइट में कभी कभी सांप को जा जाती है, तो कभी कभी सांप भी कुत्ते को जोर से काट लेता है। अक्सर घोरस वगैरह सांप है तो जोर से काट के कुत्ते की जान जा सकती है। तो इसलिए ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आपका कुत्ता प्यारा है, क्या है, उसको आपने काटने की आदत बनाई है, तो कभी गलती से उसको भी सांप काट सकता है। ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है। तो सांप मुझे दिखाई दिया, कैमरे में अच्छा नहीं आएगा, ये सामान निकालने के बाद अच्छा आएगा, क्योंकि ये नाग सांप मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, हाँ, थोड़ा सा बड़ा, 20 मिनट पहले हमने सांप पकड़ा। इकड़े तैयार, मैंने हजार तोड़े घया था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, हम कितनी आसानी के साथ मिला, खाली आधा मिनट नहीं लगा, और इस तरह से वो बैठा था। और सांप यहाँ वहाँ जाते हैं, जिसे आपने एरिया देखा, और बाद में उनको इंसान दिखने के बाद वो डर जाते हैं, और कहाँ पर छुपने की जगह है वहाँ पर छुप जाते हैं। बार बार वहां से मुंह निकल के जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप जब उनको सामने दिखाई देते हो वो डर जाते हैं, और आप उनको नहीं दिखाई देते तो नेचुरली आपके आस पड़ोस में ऐसे घूमते रहते हैं, चूहे खाने के लिए, मेंढक खाने के लिए वो घूमते रहते हैं। और उसके बीच में अगर होल है, होल में रहते हैं चूहा खाने के लिए, और मेंढक है, मेंढक खाने के लिए आ जाते। तो इंसान के पास अगर कुछ ऐसी चीजें हैं उनके खाने की, तो अक्सर वो उनके पीछे रहते वक्त दिखाई देते हैं। बस यही एक कारण है कि आपके घर के आस पड़ोस में सांप जो है आपके यहाँ पर आ जाते हैं, और ये बात आपको समझनी जरूरी है। तो ये बात बहुत मायने रखती है। फिलहाल ये 3 साल का कोबरा है, यानी नाग है, न्यूरोटॉक्सिक जहर रहता है, काटने के बाद थोड़ी सी सूजन और दर्द होने लगता है, आंखों के सामने धुंधला छाना, चक्कर आना, और इसका जो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक, यानी नर्वस सिस्टम पर परिणाम करता है, सांस लेने वाली मार्ग को पैरलिस होकर इंसान मर सकता है। आप पट्टी बांध के अस्पताल में जाना चाहिए। आपको कंफर्म नहीं है तो किसी स्नेक एक्सपर्ट यानी हम जैसे कोई है तो उनको भी पूछताछ कर सकते हैं। जड़ी बूटी, मंत्र तंत्र, मंदिर में रखना, मस्जिद में रखना, ऐसे वैसे इलाज ना करते हुए आपको अस्पताल में पहुंचने से आपकी जान बच सकती है। यहाँ पर रुकते, लेकिन सांपों को बचाने का, जानकारी देने का, डर दूर करने का सफर जारी रहेगा दोस्तों। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये देखिए मेंढक, यहाँ बेचारे घूमते रहते हैं, बहुत शांत प्राणी रहता है ये, लेकिन सांप उनको खाने के लिए आ जाते हैं। बाकी शाम का वक्त है और आप सुनसान गलियां देख रहे हैं, बेलगाम एटो नगर है ये एरिया, और संडे का दिन है दोस्तों। तो यहाँ पर सर, आपका नाम? सतीश। पूर्ण नाम सांग जी? सड़ेकर। सतीश सड़ेकर करके, और उनके कारखाने में सांप आया, तो कहाँ गए जी? इधर पीछे गया है। अच्छा, ये देखिए बहुत छोटा, और पहचानने की कोशिश कीजिएगा, हम यही चाहते हैं। देश के प्रमुख सांपों में से एक सांप है, और जितना छोटा दिखे, इतने कारखाने में, और जो मैं एरिया आपको दिखाया, ऐसे सांप गलती से दिखाई देते, कभी कभी पाँव से निकल भी जाते हैं, हमें पता नहीं चलता,
लेकिन ये जो सांप है, अगर आपने पहचाने तो अच्छी बात है, ये थोड़ा सा पीछे से रखने की कोशिश कर रहा है। इस देश का सबसे विषैला सांप है ये। राइट टाइम है, शाम के वक्त निकलते हैं और लगभग सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा मिलते हैं। आज हमने पहला सांप रसल वाइपर यानी घोनस पकड़ा था। नाग तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये मनियार यानी कृत, देश के प्रमुख तीन सांप आज हम पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से सांप कहाँ पर भी कहीं से भी आ जाते हैं, इनके वर्कर ने देखा, अच्छी बात है। और इसलिए इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है जो हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसी छोटी जगह पर आके बैठा है, और जितना छोटा है उतना जहरीला और उतना जानलेवा इसका जहर होता है दोस्तों। ये देखिए मैं ग्लोव्स का इस्तेमाल करके इसको आसानी से पकड़ने की कोशिश करूँगा, और फिर भी ये काटेगा ना, इसका ख्याल रखना पड़ता है। बार बार ये कि ऐसे ये झलांग लगाता है कि इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से पकड़ा आपको नज़दीक से दिखाने के लिए मैंने, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। और इनके अभी हाथ में हम कैमरा देते हैं। तो दोस्तों इतना छोटा सांप है, तो मैं नहीं तो आपको ये सांप अच्छी तरह से दिखने की कोशिश किया और बातें भी की हमने। पूरा काला, उसके ऊपर सफ़ेद लाइनिंग दिखाई देती है, बल्कि ये छोटा है और इसकी जो लाइनिंग है सफ़ेद वाली वो पूंछ की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है और सामने कम। वैसे तो ये लगभग एक साल का सांप है। मनियार या करेत हिंदी में कहा जाता है, और ये करेत करेट से आया है, मतलब कॉमन क्रेट स्नेक है। इसका जहर नाक का जहर सेम होता है, यानी न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो नर्वस सिस्टम पर परिणाम करके सांस लेने वाली मार्ग को रोक के जानलेवा साबित होता है। इनके काटने के बाद पट्टी बांधना ज़रूरी होता है ताकि अंदर विष ना जाए, और सीधा अस्पताल में पहुँचना चाहिए। ये जो सांप है हमारे आस पड़ोस में दिखाई देने वाला प्रमुख सांप है, बल्कि देश का सबसे विषैला सांप है। लेकिन हमें पता नहीं, ये प्रॉब्लम है, इस पर ये जो फोकस उस पर करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए नाग के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है, फिल्मों में देखा है, इन सांपों का नाम भी हमें पता नहीं है, और इसलिए हम नाग को खतरनाक मानते हैं, नाग को डेंजर मानते हैं, नाग को ज़्यादा जहरीला मानते हैं। लेकिन जहरीले सांपों में जो प्रमुख सांपों का मैंने नाम लिया, मनियार, उसके बाद घोरस, और बाद में नाग का नंबर लगता है, हम नाग से ज़्यादा डरते हैं और इनको तो कोई सादा होगा ऐसे समझ लेते हैं। मतलब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, लोगों से जो सुना है उससे उसका जहर कितना क्या है, डेंजर है, हमने तय किया है। वैसे तो इस सांप से ज़्यादा डरना चाहिए था, लेकिन इस सांप से कोई डरता नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है, तो इससे हम तय करते हैं। अभी इन्होंने देखा, अच्छी बात है। रात के वक्त लगभग 20% सांप ही बेडरूम के जगह पर मिलते हैं, मतलब ये सांप जो है रात में घूमता है, और थोड़ा सी हलचल हुई क्या हुई काटने की भी संभावना रहती है। बहुत ही खतरनाक तरीके से काट सकता है, क्योंकि ये जितना शांत होता है उतना जहरीला है, और जहर जानलेवा इसलिए साबित होता है क्योंकि हम एक तो देर से अस्पताल पहुंचते हैं, हमें पता नहीं होता है, रात के वक्त काटता है तो ज़्यादा और परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मनियार सांप की एक और खासियत है, एक सांप ऐसा है किंग कोबरा की तरह कि ये सांपों को ही खाता है। 90% ये जो सांप है सांपों को शिकार बना लेता है, और ये सांप हर जगह पर भारतवर्ष में पाया जाता है। पूरा काला और उसके ऊपर सफ़ेद लाइनिंग। देखिए आपके घर में अगर कौड़ी वाला जाति का सांप आ जाता है, जो ब्राउन कलर का ज़्यादातर होता है, वो ये सांप से बहुत मैच करता है, और अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, तो इस सांप को समझना भी ज़रूरी है। देखिए पूरा काला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप डाउट में रहिए, हो सकता है कौड़ी वालों का इसको समझ ले, लेकिन धीरे धीरे सही उसमें फ़र्क भी समझने लगेंगे। तो बहुत ही कठिन जगह पर यह था, लेकिन इन्होंने देखते रहे, जिन्होंने अभी कैमरा पकड़ा है तो उनको पहले धन्यवाद कहेंगे। ये अभी देखते हैं क्या क्या सर्कस दिखाता है। देखिए थैली में जल्दी नहीं जाता, इसकी आदत होती है, और आदत से मजबूर होता है हर प्राणी, जैसे इंसान है, डर नहीं निकलता, और इनको थैली में जल्दी जाने का नहीं होता, ये अंदर जा चुका है।